जो लोग आ रहे हैं अरुण भाई, हारून उर्फ बड़ा मिस्त्री, बड़ा मिस्त्री का नाम है हारून उर्फ बड़ा मिस्त्री। क्या नाम है तुम्हारा? हारून उर्फ बड़ा मिस्त्री। क्या बनना चाहते हो और क्यों इतने काम कर रहे थे? मैं जी इसलिए इतने काम कर रहा था कि मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस ठेकेदार बनना मुझे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। गाइस को सीरियसली मत लेना हारून भाई, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो सीरियस मत लेना। अच्छा तो ये स्पेशल हमारे लिए यार चिप्स वगैरह लेकर आए, एक्चुअली हमने यार खाने नहीं है, सो थैंक यू सो मच ब्रदर, ये मेरी तरफ से आपको, आप इनको खाओ। बट एक बात करना, ये जो गंद वंद है इनको साइड पे डाल देना, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये तो बहुत ज्यादा मीचर गंद वगैरह पड़ा हुआ। और आते साथ हमारा स्वागत हो चुका है यहाँ पे यार गंदगी से, ये अपने शोएब भाई बता रहे हैं। इधर आओ सभी भाई लोग, इसके बारे में हम एक छोटा सा खुलासा करते हैं। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स मॉन्स्टर व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे और ठीक ही होने चाहिए। आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हमारे साथ मिलने के लिए आए कुछ हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग। ये अपने इनान भाई, अपने बड़े भाई की तरह, ये अपने साजिद भाई, यार उससे भी यार बड़े भाई की तरह। और साजिद भाई क्या हाल है? एक वो भाग रहा है, वो देखो मिस्टर फैजू है। और एक अपने हारून भाई, वो यहाँ से भाग चुके हैं, वो एक नंबर के यार शर्मीले लड़के ये आगे, अपने मिस्टर फैजू आगे, ठीक है। एक्चुअली में आज तो फ्राइडे और यार कैप आप देख रहे हो, इस बंदे को थोड़ी जल्दी है, बाकी बातें हम बाद में आगे करते हैं। कुछ एक लोकेशन पे जा रहे हैं इन इन भाई लोगों की वजह से, सो अपना ब्लैक बोल ये खड़ा है, हिनान भाई ऊपर बैठे और अभी हम भी चलते, सो लेट्स गो। सो गाइस फाइनली हम पहुंच जाए हैं यार पलमा पार्क में। बहुत सारे अपने भाई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें इस लोकेशन का नहीं पता, तो फाइनली हम बता देते हैं जहां पे पलमा आर्मी है उधर से सीधा नीचे रोड आती है और वहीं से सीधा आपको अंदर जाना पड़ेगा, जहां से एज यूजुअल यार ऐसा ये कुछ रास्ता है। अपने भाई लोग अपने साथ हैं, ये रहे अपने यार पंजाब के सब्सक्राइबर लोग, बड़ी बार देखा होगा, ये रहे अपने हिनान भाई, हिनान भाई ये हमारे बहुत फेमस भाई यार, अपने हॉस्टल में कॉलेज में न्यूज़ वगैरह कोई भी चाहिए होती है ये भाई साहब जिंदाबाद। हरुण भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और सुनाइए कुछ ये कुछ कहना चाहते हैं हमारे ये जो सब्सक्राइबर भाई लोग देखते हैं? हाँ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। बिल्कुल जी, आप हारून भाई ने बोला, ये बंदा एक्चुअली में यार कैमरा शाही है, बट पहली बार आज बोला तो बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच भाई। भाई जल्दी से। और एक और हमारा मौलवी साहब है, मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत का बताएं, हजरत जी आप कुछ फरमाएंगे हमारे सब्सक्राइबर लोगों को? कुछ नहीं भाई, अपना प्यार दिखाएं, सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी 2K सब्सक्राइबर करा दो फिर 2K। सो भाई साहब पहुंच आए हम फाइनली पलमा पार्क के अंदर और ऐसी कुछ एंट्री है यहाँ से, सभी अपने भाई लोग अपने साथ हैं और यह अभी फर्स्ट एंट्री हम अपने साजिद भाई की कराएंगे। और क्या बवाल एंट्री है भाई साहब, घूम के इधर ना आ जाना। अभी अपने शोएब भाई जा रहे हैं, अभी अपने हिनान भाई जाएंगे, चलिए, और अभी अपने हारून भाई भी जाएंगे साथ साथ पीछे पीछे, चलिए हारून भाई। और ये बंदा एकदम सिंपल सिंपल तरीके से, बाकी सारे उधर से गए, हम यहाँ से चलते हैं। और आते साथ हमारा स्वागत हो चुका है यहाँ पे यार गंदगी से, ये अपने शोएब भाई बता रहे हैं। इधर आओ सभी भाई लोग, इसके बारे में हम एक छोटा सा खुलासा करते हैं। इधर आइए, आइए साजिद भाई, हारून भाई दौड़ के आइए। सो शोएब भाई बताइए आप, देखो यहाँ पे ये क्या छोड़ के इन्होंने, देखो डस्टबिन छोड़ के जो भी कूड़ा करकट है इन्होंने बाहर फेंका हुआ है, इनको चाहिए डस्टबिन में डालें। बिल्कुल सही बात है यार, कुछ थोड़ी बहुत तो सेंस होनी चाहिए इंसान के अंदर, के ये जो डस्टबिन लगे हैं ना, ये यार किसके लिए लगे? हम लोगों के लगे कि ये जो गंद है इनको हम अंदर डालें, ठीक है। और ये देखो ये डस्टबिन भी बिल्कुल यार थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, इसमें तो है ही कुछ नहीं है और सारा गंद बाहर है। और ये पार्क बहुत अच्छी है लेकिन मेंटेन वही है ना, एक्चुअली में ये पार्क यार हम लोगों के लिए ही ये पार्क यार बनाई गई है, बट हम लोग ही इस पार्क को यार पूरा बिगाड़ रहे हैं। लोग कुछ ला रहे सामान वामान खाने के लिए और वो क्या कुछ कर रहे हैं इधर। बाकी ये देख लो गाइस यहाँ पे भी पूरा गंदी गंद पड़ा हुआ है, स्पेशल रिक्वेस्ट मैं करूंगा। और हिनान भाई आते साथ हमारे चढ़ चुके हैं ऊपर, फटाफट से हम इनका एक छोड़ लेते बच्चों वाला। ओ, क्या बात है साजिद भाई, आप चाहिए आप फटाफट से। साजिद भाई उल्टी साइड से जाए, मुझे पता है ये बंदा उल्टे काम करता है हमेशा। ये चढ़ चुका है, शाबाश। ये गाइस होती है इनकी पुरानी ट्रेनिंग। ओ, 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 मत क्या बात है। ओ, शोएब और शोएब भाई भी अभी ऊपर जा रहे हैं। क्या टूट गई आपकी? यार गंदा हो गया। आइए आइए, ये आपने गंदा किया सर। Wow, amazing. पहले एक बार व्लॉग बनाया हुआ है, बहुत सारे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। और ये कुछ आपने दो भाई लोग यहाँ पे न्यू आए लेकर आए हैं अभी,
किलिंग ट्री इज किलिंग अस, सेव ट्री सेव लाइफ, सेव ट्रीज सेव एनवायरमेंट। एंड गाइस एक और यार मजे की चीज बता दूं, ये पार्क एक्चुअली में बनाई है आर्मी वालों ने और हम जैसे लोग इसकी बुरी हालत यार बिल्कुल मीन्स कर रहे हैं, दिन ब दिन इसकी ना हालत बिगड़ रही है। ये कुछ झूले वगैरह लगे थे, इसका तो सिर्फ एक ही या डंडा है, बाकी वो पड़ा हुआ है ठीक है, बाकी कुछ वो पीछे वो भी बुरी हालत है और गंद मंद इधर उधर, उधर आर्मी है पूरी, बट आर्मी वाले भी क्या करेंगे, अगर हम जैसे लोग ये कुछ करेंगे तो आर्मी वाले भी क्या करेंगे। तो देख लो गाइज ऐसी कुछ लोकेशन है, ऊपर से बिल्कुल यार रोड जाती है वहाँ ऊपर से जो कि सीधा कोटरंका बकोरी जाती है, बिल्कुल उससे नीचे ये लोकेशन है, आप लोग भी आइए। बट एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, ये जो गंद मंद है ये यहाँ पे मत फैलाइए, एक दिन हम इंशाल्लाह स्पेशल टाइम निकाल के हम भाई लोग आएंगे और इसकी साफ सफाई करेंगे ज़रूर से। और ये अभी यहाँ पे हमारे कुछ ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 21-22 साल के, ये अभी यहाँ पे झूला झूल रहे हैं और नीचे है कुछ पानी वानी विद सम मड और इन लोगों के पाँव भी खराब हो जाएंगे। शाबाश, अब देखते हैं यार कौन बंदा ज़्यादा आगे जाता है। शाबाश चलिए। का चलता रहेगा, बाकी हम बातें कुछ करते हैं आपके साथ, लेट्स सी। अगर तो ऊपर से ये टूटा, तुमने नीचे आना, पानी भी खराब करना और अपने कपड़े भी खराब करने। एक और अमेजिंग चीज, हमारे साजिद भाई पहले से ही पोज में खड़े हैं कि मेरा एक फोटो लिया जाए, बट 20 रुपए एक फोटो सर, ठीक है सर, जितने फोटो उतने 25 रुपए सर, चलो कोई बात नहीं आना। अरे और यहाँ पे कुछ फोटो शूट चल रहा है, और ये हाइट ऑफ फोटोग्राफी, साइड फोटो ले रहे हैं, ये देखें हाइट ऑफ फोटोग्राफी, और ये बंदा तो आज वायरल ही हो जाएगा भाई साहब। हिनान भाई ये फोटो आपका बहुत अच्छा है, सही है। एंड गाइस अगर किसी को ये फोटोज वगैरह देख रहे हैं हमने कहाँ पे चढ़ाने, इंस्टाग्राम पर लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, उधर पे जाके आप देख लीजिए। और ये किधर हमारा एक भाई मिल चुका जो कि पहले हमें देखकर भाग चुका था, अचानक से आया, भैया हम आपकी वीडियो देखते हैं एक्समोटर लोग, आना भाई एक मिनट इधर, ज्यादा ज्यादा फास्ट हो गया ये रहा वो भाई। और भाई क्या हाल है, अरे भाग रहे यार प्लीज यार, फोटोग्राफी होते हुए एक्समोटर वाला उसकी फोटोग्राफी होते हुए देख सकते हैं आप। ये हमारे कैमरामैन मिस्टर फैजू और शोएब काजी, अपने शोएब भाई कुछ यहाँ पे हारून का मौजू लगा रहे हैं। हारून भाई, हारून उर्फ बड़ा मिस्त्री, बड़ा मिस्त्री का नाम है हारून उर्फ बड़ा मिस्त्री। क्या नाम है तुम्हारा? हारून उर्फ बड़ा मिस्त्री। क्या बनना चाहते हो और क्यों इतने काम कर रहे थे? मैं जी इसलिए इतने काम कर रहा था कि मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस ठेकेदार बनना मुझे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो और इसीलिए मैं भागा था साइड पे से कि मुझे 5 काम निपटाने थे इकट्ठे, या तो मैं एडवांस मांगता, अगर कोई मुझे एडवांस ना देता तो मैं उसकी दीवारें तोड़ता। गाइस कोई सीरियसली मत लेना हारून भाई, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हो सीरियस मत लेना, इट्स जस्ट फॉर फन, नाराजगी की बात नहीं है। और वो देखो वहाँ पे ठीक करने जाके, वो जाके वहाँ पे ठीक करे, वो भाग चुके हैं और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं रजौरी से स्पेशल एंजॉय करने के लिए। और इनमें से एक जो बच्चा वो मेरा नाम भी लेता है कि हम आपकी वीडियो देखते हैं एक्स मॉन्स्टर व्लॉग्स। साजिद भाई आपने सुना नहीं सुना? मैं बिल्कुल नहीं सुना, गाइस ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ है, बट कोई नहीं ये सच है, ये बंदा यू नो मौजू शोजू लेते रहते हैं। साजिद भाई आई एम क्वाइट सीरियस, ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये सही बात, सही बात है। हिनान भाई को पता, हिनान भाई के सामने बोलो। तो अभी गाइस हम यहाँ से चलते हैं आगे, कुछ ये भाई लोग आए, ये हमें कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं। हाँ भाई हम खिलाएंगे, हम इनके घर खिलाना पिलाना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं चलते, कुछ देखते हैं क्या खाते पीते हैं, चलते फटाफट से अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने भाई के पास, भाई को निकालते हैं और फटाफट से खाते पीते हैं। एंड गाइस यार मैं जिन भाइयों की बात कर रहा था वो ये रहे। हेलो भाई। हाँ जी भाई, तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज हाजिक हुसैन। हाजिक हुसैन, तो आपका क्या नाम है भाई? महताब। महताब, तो भाई लोग आप हमारी वीडियो देखते हो? Yes. अच्छा, तो ये स्पेशल हमारे लिए यार चिप्स वगैरह लेकर आए, एक्चुअली हमने यार खाने नहीं है, सो थैंक यू सो मच ब्रदर, ये मेरी तरफ से आपको, आप इनको खाओ। बट एक बात करना, ये जो गंद वंद है इनको साइड पे डाल देना ठीक है ना, क्योंकि देखो ये तो बहुत ज्यादा है, मीन्स यार गंद वगैरह पड़ा हुआ। सो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है ओके ब्रो, आइए प्लीज आइए, हमला कीजिए। अच्छा, जोबा क्या सिखाया इसने? सो गाइस अभी हम आ चुके हैं
सीख की शॉप पर। ये यहाँ पे एक हमारे भाई सीख बनाते हैं। और भाई सब क्या हाल है आपका? बस जी ठीक है। तो इनकी शॉप है यार नगरोटा में, आप भी आइए, बहुत मस्त सीख वगैरह इधर मिलती है। हारून भाई ये अपनी स्कूटी की ट्राई कर रहे हैं, बाकी इस बाइक को अभी लग गई हिनार भाई को कोई जी। तो साजिद भाई भी अपने, ये एक्चुअली में इनको थोड़ी सारी जल्दी थी, बट फिर भी मैंने इनको बोला कि सीख खिला कर भेजनी है। ये सामने रहा इनका बोर्ड इधर लगा हुआ। तो बाकी हम अभी ये खाते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं अपने घर ही। तो इन भाई लोगों को भी बाय बाय करना है, तो इनको हम अभी अभी इनको बाय बाय करते हैं। ठीक है साजिद भाई, ओके बाय बाय, ओके हिनार भाई, बाय बाय बाय। तो गाइस आ चुके इधर अपनी सीख और विद चटनी, ये चिकन की सीख है। साजिद भाई आइए पधारिए आपके स्पेशल आपके। और इनको ये देखो अभी फोन आ रहे हैं, इन्होंने जल्दी से जाना है और हम भी फटाफट से इसको खाते हैं और फिर चलते हैं आगे हम भी अपने घर पे। उधर ही आज के व्लॉग को एंड करेंगे। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका मैं अभी अपने घर पे और ये खड़ा अपना ब्लैक बोर्ड बिल्कुल सामने एज यूजुअल अपने घर के बिल्कुल बाहर। और आज देख लिया आपने अचानक से भाई लोग आए और अचानक से व्लॉग बन गया। और होप करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए। और बाकी हम इस व्लॉग को आज इधर तक ही रखते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छे से व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो बाय बाय, टाटा।